फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ्रेंसीशन के फार्मूले सारे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सी का जो डिफ्रेंसीशन होता है कितना होता है? ज़ीरो। ठीक है, सी का डिफ्रेंसीशन ज़ीरो होता है। उसका सेकेंड नंबर आता है एक्स की पावर एन का। तो एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, इसका आता है ई की पावर एक्स का। ई की पावर एक्स का क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, उसके बाद ए की पावर एक्स होता है। तो ए की पावर एक्स क्या होता है? क्या होता है? ए की पावर एक्स लॉग ए बेसी। ओके, इसके बाद एक आता है एक्स की पावर है। ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं, सॉल्यूशन करना है। तो ये तो सेम इसके टाइप हो गया एक्स पावर का। तो क्या करेंगे? ए एक्स की पावर ए माइनस वन। ठीक है, अब इसका लिखते हैं लॉग एक्स का। ठीक है, लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स होता है। इसके बाद अब एक और ट्राई कर लेते हैं वन अपॉन एक्स का। तो इसको हम लोग दो फैक्टर में तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स बार माइनस वन हो जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया ये वाला। तो क्या करेंगे? माइनस वन इंटू एक्स बार माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले हैं वो भी पढ़ लेते हैं। तो साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, और फिर टेन एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बचा कॉट एक्स। कॉट एक्स क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक होता है फिर कॉसेक एक्स। कॉसेक क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। दोस्तों, आज के कुछ फॉर्मूले हैं, इसका मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन सब। ठीक है।